पिछले वीडियो में आपने सुना, नहीं मैं इतना निर्लज्ज नहीं हूं, यह कहकर बूढ़ा नाराज होकर चला गया। तो चलिए सुनते हैं अब आगे के स्वर्ग का अगला वीडियो। इस अपमान से वाथिन की आंखों में पानी भर आया, परंतु उसने किसी को भी दोष नहीं दिया, केवल स्वयं को बारंबार धिक्कारते हुए कहा, यह ठीक ही हुआ, मेरे जैसे निर्लज के लिए यही आवश्यक था। परंतु अनावश्यकता तो इसी जगह इस एक रात के भीतर ही समाप्त नहीं हुई, इसकी अपेक्षा बहुत बहुत अधिक अपमान जो उसके भाग्य में थे, वे दो दिन बाद बहुत से मिल गए और ऐसी बहुतायत से मिले कि उस लज्जा को जीवन भर कहाँ रखेगा, इसका कुल किनारा दिखाई नहीं दिया। जिस तस्वीर की बात को लेकर यह कहानी आरंभ हुई थी, जातक का यह गोपा का चित्र इतने दिनों में पूरा हुआ है। एक माह से अधिक समय के अविश्राम परिश्रम का फल आज शेष हुआ है। सुबह के सारे समय वह इसी आनंद में मग्न रहा। चित्र राज दरबार में जाएगा, जो दाम लेकर ले जाएगा वह संवाद पाकर आ उपस्थित हुआ, परंतु चित्र का आवरण हटाते ही वह चौंक गया। चित्र के संबंध में वह अनाड़ी नहीं था। बहुत देर तक एक टक देखते रहने के बाद क्षुब्ध स्वर में बोला, यह चित्र मैं राजा को नहीं दे सकूंगा। वाथिन ने भय विस्मय से हतबुद्धि होते हुए कहा, क्यों? उसका कारण यह है कि इस मुंह को मैं पहचानता हूं। मनुष्य का चेहरा देकर देवता बनाना देवता का अपमान करना है। यह बात मालूम हो जाने पर राजा मेरा मुंह भी नहीं देखेंगे। यह कहकर वह चित्रकार के विस्फारित व्याकुल नेत्रों की ओर क्षण भर तक देखते रहने के बाद मुंह बनाकर हंसता हुआ बोला, थोड़ा सा ध्यान देकर देखने से ही देख पाओगे यह कौन है, यह तस्वीर नहीं चलेगी। वाथिन की आंखों के ऊपर से धीरे धीरे एक कोहरे का पर्दा हटता जा रहा था। भद्र पुरुष के चले जाने पर भी वह उसी प्रकार दृष्टि कढ़ाए रहा। उसकी आंखों से पानी बहने लगा। अब उसे समझाने को बाकी नहीं रहा कि इतने दिनों तक इस प्राण परिश्रम के द्वारा उसने हृदय के अंतस्थल से जिस सौंदर्य जिस माधुर्य को खींच कर बाहर निकाला है, देवता के रूप में जो उसे दिन रात चलता रहा है, वो जातक की गोपा नहीं, वो उसी की माँ शोए है। आंख बंद करके मन ही मन कहा, भगवान मुझे इस तरह विडंबित किया, तुम्हारा मैंने क्या किया था। ये भाग यही समाप्त होता है और अगले भाग सुनने के लिए थोड़ा सा अंश जहाँ से शुरू करूंगा एक लाइन में आपको बता देता हूँ। पोथिन साहस पाकर बोला, तुम्हारी देवता भी कामना करते हैं माँ शोए, मैं तो मनुष्य हूँ।